हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आज मैं बनाने वाली हूँ ओले काजूची भाजी, मीन्स जो कोकन स्पेशल है गीले काजू के। पहले मैंने काजू को गर्म पानी में हाफ एन आवर के लिए सोक कर लिया था, और साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसकी जो ग्रेवी बनानी थी उसके लिए। तो जिसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा ओनियन डाला था चॉप किया हुआ, आप रफली चॉप कर दीजिए क्योंकि सिर्फ ग्राइंड ही करना है आगे चल के। सो मैंने हाफ ओनियन था जो मैंने इसमें लिया था, और हाफ ओनियन मैंने आगे के तड़के के लिए लिया है। सो ये ओनियन मैंने अच्छे से भून लेना है ब्राउन कलर आने तक। सो इसको मैं भून रही थी, अच्छी तरीके से भूनना है, और थोड़ा सा ऑयल सिर्फ स्प्रे किया था। दिस इज़ माई वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव। सो फिर मैं अच्छे से कांदे को भून रही थी। उसके बाद कांदे को अच्छे से सॉटे होने के बाद उसमें मैंने क्या अपना गीला वाला नारियल डालना था, जिसको मैंने, मेरे को किरचने नहीं आता इसलिए मैंने उसको स्लाइस करके डाल दिया था। तो इसको अच्छे से स्लाइस करके डालना है। इसको भी कांदे के साथ अच्छी तरीके से भूनना है, जैसे कि जो थोड़ा सा कोकोनट का जो कच्चापन होता है वो चले नहीं। ये मेरे इन लॉज की रेसिपी है, मेरी सासू माँ की। सो ये वहाँ पे उनके यहाँ पे बनता है, क्योंकि ये सिर्फ कोकन में ही बनती है ओले काजू की भाजी, बाकी मैंने कहीं पर भी नहीं खाई है। उसके बाद मैंने मिक्सर में थोड़ा सा अदरक डाला था, अदरक के साथ साथ थोड़ा सा लहसुन। लहसुन मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया था, कुछ 8-10 कली होगी, और कोतमीर ली थी, मीन्स धनिया डंठल के साथ ही लिया था। उसका जो स्टेम था वो मैंने नहीं निकाला था, वो मैंने साथ में ही लिया था। उसके बाद जो मैंने काजू और कोकोनट फ्राई किया था ना गीला वाला नारियल, वो, और थोड़ी दालचीनी, और उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग और एक स्टार फूल, ऐसे करके मैंने खड़े मसाले भी पीसने में ही डाल दिए थे, जिससे बहुत फ्रेश फ्लेवर आता है इसका मसाले का। सो वो भी मैंने डाल दिया था। और इसके बाद इसको मैंने मिक्सर में पीसने के लिए रखा था, और उसके साथ ही साथ मैंने ऑयल डाला था, और ऑयल में जीरा और थोड़ा सा हींग डाला था। हींग थोड़ा सा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने हींग डाला था। वैसे इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है, उल्टा टेस्ट इन्हेंस ही हो जाता है। और तेल में मैंने अच्छी तरीके से वो भून लिया था। उसके बाद मैंने 2 तेज पत्ते को तोड़कर तेल में ऐड कर दिया था। सो ये मेरे इन लॉज के यहाँ पे बनती है रेसिपी, वो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो प्रॉपर कोकन की ही रेसिपी है, मीन जो मेरे घर में बनती है। और उसके साथ ही साथ मैंने इसमें ओनियन डाल दिया था, और थोड़ा सा लहसुन था जिसको मैंने कूट कर डाला था, टेच कर, जो हम टेचते हैं ना ऐसे, वो टेच कर मैंने लहसुन डाल दिया था इसमें। और कांदे को अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक वो अच्छी तरीके से ब्राउन ना हो जाए। सो यहाँ पर कांदा ब्राउन हो रहा था, क्योंकि हमारे घर में जो बनती है वो काजू और आलू की सब्जी बनती है। सो मैंने आलू भी कट कर लिए थे। अब मैंने इसमें सूखे मसाले डाले, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सब डाल के उसके बाद मैंने टमाटो डाल दिए थे। और टमाटो डाल के टमाटो और ये अच्छी तरीके से भूनना है जब तक टमाटो का जो कच्चापन है वो निकल नहीं जाए। उसके साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दिया था, जिससे टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने आलू भी जो थे वो फ्राई करने रख दिए थे बाजू के गैस में, क्योंकि आलू मुझे फ्राई करके लेना था। अगर आपको यही रेसिपी इंस्टेंट चाहिए तो आप ये सब चीज़ें कुकर में डालिए, और आलू भी बिना फ्राई करे डायरेक्ट कुकर में डाल के काजू डाल के सीटी लगा दीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट टेस्ट बहुत औसम आता है। पूरे घर में जो मसाले की खुशबू मींस आ रही थी, अगर काश मैं क्या बोलते वीडियो के थ्रू आपको स्मेल भी करा सकती तो आप डेफिनेटली सोचते कि इतना टेस्टी बना था। जो उसका स्मेल था ना, उससे ही पता चल रहा था कि बहुत टेस्टी है। मैं काजू की भाजी 2-3 तरीके से बनाती हूँ, और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वाला तरीका। इसमें कोई क्रीम मलाई कुछ नहीं, क्योंकि ये गाँव में जैसे बनाते हैं ना ऑथेंटिक वैसा वाला है। सो मेरा टमाटो और ये अच्छी तरीके से हो गया था। उसके बाद जो मैंने कांदा, खोपरा और लहसुन, अदरक और कोतमीर, इसका जो पेस्ट किया था वो पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया था। सो ये अच्छी तरीके से भूनना है, और इसमें कोकोनट है क्योंकि कोकन है, और कोकोनट ना यूज़ हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता। सो कोकोनट का
जो ये है थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये ग्रेवी का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश आता है। और अगर आप इसमें मालवनी मसाला यूज़ करोगे ना, मेरे पास अभी नहीं था फ़िलहाल, अगर आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मालवनी मसाले से जो कलर है वो रेड आता है, और ये थोड़ा ब्राउन आता है क्योंकि इसमें मैंने धनिया भी पीसने में भी डाला था। सो ये थोड़ा सा फ़र्क लगता है। सो ये जो काजू थे देखो, जो मैंने बॉईल किए थे ना हाफ एन आवर, वो देखो ऐसे इसे क्लीन करते हैं। सो इससे क्या होता है कि जो ऊपर का होता है ना फूल जाता है काजू, जो ऊपर का छिलटा होता है वो अच्छे तरीके से निकल जाता है। इसके निकालने के बाद भी एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार इसे अच्छी तरीके से वॉश करना है, नहीं तो इसमें जो डीग होता है ना वो रह जाता है, तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसे सारे मैंने काजू क्लीन कर लिए थे। खाली गर्म पानी में डालो थोड़ी देर, हाफ एन आवर 20 मिनट्स ऐसे, उसके बाद आप आराम से इजीली वो पील ऑफ हो जाते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं लगता है। देखिए इजी है, अगर आपको मतलब ऊपर फूक जाता है ना उसका जो चिल्टा होता है, और ये काजू बहुत सॉफ्ट बनते हैं। इसके बाद मैं इस काजू को है ना पैन में डाल के थोड़ा सॉटे करने वाली थी, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने एक पैन रख दिया था जिसमें सिर्फ मैंने ऑयल थोड़ा सा स्प्रे किया है, और स्प्रे करने के बाद उसमें मैंने डाल दिए थे ये जो काजू थे वो डाल दिए थे। इसमें भी आपने मालवनी मसाला अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली यू कैन ऐड दैट, लेकिन मेरे पास, मैंने आपको बताया मेरे पास नहीं था। सो मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ये डाला था। सो इसको अच्छी तरीके से ये मसाला डाल के भून लेना है। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल के इसको छोड़ देना है ऐसे पकने के लिए। पहले थोड़ा भून लेंगे, देन आप इसमें ये डालिए, और ये मस्त मेरी स्पाइसी। सो ये मैंने काजू को अच्छी तरीके से भून लिया था, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर ढक कर रख दिया था ताकि काजू अच्छी तरीके से भून जाए। अगर आप जैसे कुकर में बना रहे हो तो ये सब जो तामझाम है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट काजू आलू मसाले में डालिए और उसको डायरेक्ट सीटी लगा दीजिए, बस वो एकदम सिंपल रेसिपी है। बट ये थोड़ा चेंज था, संडे का था तो इसलिए सोचा कि चलो थोड़ा ऑथेंटिक वाला जो इन लॉज बनाते हैं, जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, सो वो ट्राई किए। इसमें बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है जिससे कि काजू एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम जैसे कि मक्खन जैसे टच करते से मुँह में जाते से घुल जाते हैं। सो ये वाली रेसिपी मुझे बहुत पसंद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई करोगे तो मुझे बताना कि कैसी बनी थी, और क्या अगर आप मेरा व्लॉग कोकन से ही देख रहे हो तो डेफिनेटली बताइए कि ये आपने ऐसी वाली काजू की आप सब्जी बनाते हो कि कोई और स्टाइल से। सो यहाँ पे साथ ही साथ मेरा मसाला भी भून रहा था, फिर इसको मैंने मिक्स करके फिर इसके अंदर मैंने जो आलू फ्राई किया हुआ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहो तो कच्चा आलू डालते हो, डालकर भी ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे अगर फ्राई किया हो फिर वो आलू इसमें भी पकता है ना, तो आलू भी बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। सो ग्रेवी मेरा बहुत मतलब ये थोड़ा थिक ही था, एकदम ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं था और ज़्यादा ये भी नहीं है। और इसे मैंने चावल के साथ, मेरे हस्बैंड को राइस के साथ पसंद है चावल, तो वो थोड़ा ग्रेवी ही रखते हैं। सो ये काजू भी देखिए हो चुके थे, सो ये काजू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालकर जस्ट फॉर कि ये एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। सो ये जो पैन था उसी में मैंने पानी डाला, और ये वही पानी है जो मसाले का एंड ऑल, वो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे ख्याल से हर कोई वेस्ट नहीं करता होगा, सब ऐसा ही डालते होंगे। सो ये पानी डालना है, बस मिक्स करना है। एक बॉईल आ गई 2-3 मिनट, बस अब हमारी सब्जी रेडी। बहुत सिंपल रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है, जल्दी मतलब थोड़ा टाइम लगता है कुछ अच्छी चीज़ में। इसमें आप चाहो तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं, काजू पनीर भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो ऑथेंटिक बनाते हैं उसमें आलू डालते हैं मेरे इन लॉज। सो ये देखिए मेरी ये सब्जी तैयार हो चुकी थी, इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। सो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो ऐसी कुछ बनी थी ये, आप चाहो तो राइस के साथ, रोटी के साथ, भाकरी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है, डेफिनेटली प्लीज़ ट्राई। और ये ओले काजू सिर्फ इसी मंथ में अभी आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये टाइम में। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें,
और प्लीज़ इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।